छोटी बेटी जन्नत खानम की शादी में शामिल होने के बाद फहीम खान को पुलिस टीम आज अपने साथ लेकर धनबाद से होटवार जेल रवाना हो गई। पेरोल की अवधि समाप्त होने से पूर्व फहीम को वापस जेल भेज दिया। धनबाद रेलवे ऑफिसर्स क्लब में आयोजित बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के बाद धनबाद से विदा होते समय गैंगस्टर फहीम खान ने पुलिस वालों के प्रति आभार जताया। उसने कहा कि वह सभी पुलिस वालों के प्रति एहसानमंद है जिन्होंने उसकी बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने दी। गैंगस्टर फहीम के भांजे प्रिंस खान ने ही उसे शादी समारोह में ही मारने की धमकी दी थी। प्रिंस खान बार बार वीडियो जारी कर फहीम के पूरे परिवार को नई नई धमकियां देता रहता है, लेकिन फहीम ने उसे तवज्जो नहीं दिया और बिना प्रिंस खान का नाम लिए उसने कहा कि 40 साल से उसे ऐसी धमकी मिल रही है लेकिन कुछ नहीं होने वाला। उसने कहा अब जो होना है वह पुलिस देखेगी और गाँव के लोग देखेंगे। फहीम ने कहा कि प्रिंस खान की हर धमकी का जवाब पुलिस के पास है और पुलिस ही उसे सही जवाब देगी। कानून ने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड चूर किया है, उसका भी होगा। फहीम खान के अलावा धनबाद पुलिस को भी चुनौती दिए जाने के सवाल पर उसने कहा कि उससे पहले भी कई लोगों ने चुनौती दी थी लेकिन क्या अंजाम हुआ यह सभी जानते हैं। जो चल रहा है, जो चल रहा है, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। आज के लिए हम सभी पुलिस अधिकारी और सभी गण का आभार प्रकट करता हूँ जो मेरे बच्चे के शादी में बार बार धमकी दिया जा रहा है भैया, तो उसका जवाब पुलिस देगा, उसका जवाब पुलिस के पास है। शादी में आने को लिए बड़े बड़े सुरमाओं अपराधियों का घमंड चूर किया है कानून, उसका भी चूर करेगा। संवाद खत्म करने के बाद की जाती है बार बार व्हाट्सएप, कोई वैसा धमकी 40 बरस से मिल रहा, कुछ नहीं होने वाला। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं करना, जो करेगा पुलिस करेगा, गाँव वाला लोग। धनबाद पुलिस को भी चुनौती दी जा रही है आपके अलावा, उससे आपके अलावा धनबाद पुलिस को चुनौती दी जा रही है। धनबाद जी बताएंगे।